रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा संस्कृत का कल का टॉपिक था प्रत्यय। कल प्रत्यय हम तीन प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और कृत प्रत्यय शुरू कर दिया था। और कृत प्रत्यय का पहला भाग हमने किया था सत्र प्रत्यय। अब आज उससे अगला भाग है, दूसरा भाग है छानस प्रत्यय। आज अपन छानस प्रत्यय पढ़ेंगे। छानस प्रत्यय छानस प्रत्यय का प्रयोग प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है। देखो बच्चों, छानस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के शब्दों के अर्थ में किया जाता है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ वर्तमान काल के लिए हो, उनके लिए हमेशा अपन छानस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। छानस प्रत्यय में छ का लोप हो जाता है और छानस में आन शेष रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है छानस, तो इस छानस में यहाँ से स का और यहाँ से इस स का लोप हो जाएगा। इन दोनों के यहाँ से लोप हो जाएगा, तो पीछे यहाँ बसेगा आ और यहाँ बसेगा न। तो यहाँ पे पीछे छानस में बसेगा आन। छानस प्रत्यय में क्या शेष बसेगा? आन। जैसे कि देख लो, उदाहरण देखो, जैसे कि वरत प्लस छानस। अब हमारे ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे धातु होना चाहिए। तो यहाँ पे वरत एक धातु है या फिर यहाँ पे क्रिया है, और बाद में आ रहा है छानस। तो छानस की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? आन। यहाँ पे छानस नहीं लगाएंगे, बल्कि छानस की जगह आन शेष रहा है, आन प्रयोग करेंगे। तो अपन लिखेंगे वरत का, तो वरत लिखेंगे और वर्तमान इस छानस की जगह लगेगा आन और यहाँ बीच में लगेगा मत, हो जाएगा वर्तमान। यानी यहाँ पे वर्तमान काल के लिए प्रयोग हो रहा है शब्द, तो यहाँ पे शब्द भी बन गया अपना वर्तमान। अब दूसरा उदाहरण देखो, सेव प्लस छानस। तो यहाँ पे बनेगा सेवमान, यानी सेवा करने योग्य। यहाँ पे छानस की जगह आन लगाया हमने और यहाँ पे इसमें लगा म, यानी वर्तमान काल के या सहायक अर्थ में अगर अपन प्रयोग करेंगे यहाँ पे म लगेगा। तो यहाँ पे बन गए सेवमान, यानी सेवा करने योग्य या सेवा करनी चाहिए। अब तीसरा उदाहरण है पच प्लस छानस। तो इसका शब्द बनेगा पचमान। पचमान मतलब होता है पकाना चाहिए या पकाने योग्य। तो यहाँ पे छानस प्रत्यय हो गया पूरा। अब अगला इसका तीसरा भाग है तव्यत प्रत्यय। ये भी इस कृत प्रत्यय का एक तीसरा भाग है, वो है तव्यत प्रत्यय का प्रयोग
वास्तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। सानस, यहाँ पे तवित प्रत्यय का प्रयोग हमेशा हिंदी भाषा के अपन किसी भी शब्द का ट्रांसलेट संस्कृत का हिंदी में करेंगे तो इसका अर्थ निकला साहिए या फिर योग्य, इसके अर्थ में अपन तवित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तवित में त का लोप हो जाता है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तव्यत, तो इस तव्यत प्रत्यय में इस त का लोप हो जाता है। ये अगर अपन किसी भी शब्द या धातु के पीछे तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें त साथ में नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे त का लोप हो जाता है और तव्यत में तव्य शेष रहता है, अभी यहाँ पे मैंने अभी समझाया था आपको, यहाँ पे तव्यत लिखा हुआ है तो तव्यत में यहाँ पे त का लोप हो जाता है तो पीछे क्या बचेगा तव्य। अब किसी भी धातु के पीछे अपन तव्यत प्रत्यय लगाएंगे ये पूरा तव्यत नहीं लगेगा बल्कि तव्य इतना ही लगेगा। जैसे कि देख लो, पठ प्लस तव्यत, तो यहाँ पे तव्य शेष रहा है तो यहाँ पे अपन तव्य ही जोड़ेंगे, इस तरह से अपना कोई मतलब नहीं है। तो अपन पट का तो पट लिखेंगे तो इसका अर्थ साहिए या योगी के अर्थ में निकलना है तो अपन लगाएंगे ई की मात्रा, तो इसका बनेगा पठितव्य, मतलब पढ़ना चाहिए। देखो पट का तो हमने पट लिख दिया, अब इसका साहिए अर्थ प्रकट करने के लिए इसके ऊपर ई की मात्रा लगेगी और तव्य का तव्य हमने पीछे लिख दिया, हो गया पठी तव्य, मतलब पढ़ना चाहिए। अब अगला क्र प्लस तव्यत, यहाँ पे क्र भी धातु है और तव्य कृत प्रत्यय का एक भाग है, तो यहाँ धातु की बात जिस प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ हमेशा तव्यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखो तव्यत प्रत्यय में क्र का तो देखेंगे अपन कर्तव्य, इसका क्या बनेगा कर्तव्य, मतलब करना चाहिए या करने योग्य। अब देखो क्र धातु का अपन लटलकार में देखेंगे तो प्रयोग वहाँ पे हमेशा क्र यानी बल्कि कर्तव्य इसी तरह लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी हमने कर्तव्य यहाँ र ऊपर आ गया तो इसका मतलब हो गया करने योग्य या करना चाहिए। इसका एक उदाहरण देख लो, दा पलच तव्यत। अब देखो दा का यहाँ पे दा सेम का सेम लिखा जाएगा और तव्यत का क्या जाएगा तव्य, मतलब देने योग्य या देना चाहिए। तो यहाँ पे अपना ये तव्यत प्रत्यय भी यहाँ पे पूरा हो गया है। तो अपने कृत प्रत्यय के तीन भाग पूरे हो गए हैं, पहला भाग था अपने सत्र प्रत्यय, दूसरा सानस प्रत्यय, तीसरा तव्यत प्रत्यय। अब इसका अगला चौथा भाग करेंगे, अब एक मिनट ये थोड़ा पेज चेंज कर लेते हैं, भर गया है। तो अगला इसका चौथा भाग है अनियर प्रत्यय, ये भी कृत प्रत्यय का एक भाग है, जो लास्ट भाग है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय
अनियर प्रत्यय का अनियर प्रत्यय का प्रयोग अनियर प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के सहाय अथवा योग्य के अर्थ में होता है। योग्य के अर्थ में होता है। अब देखो, अनियर प्रत्यय का प्रयोग हमेशा सही या योग्य अर्थ में किया जाता है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलना चाहिए या योग्य, मतलब कोई भी काम करना चाहिए या करने योग्य, ऐसा इनका अर्थ निकलना चाहिए, वहाँ पे हमेशा अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनियर प्रत्यय में र का लोप हो जाता है, र का लोप हो जाता है और र का लोप हो जाता है और अन्य शेष रहता है। अन्य शेष रहता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य, तो इस अन्य प्रत्यय में अगर किसी भी शब्द या धातु के पीछे अन्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे इस र का लोप हो जाता है और सिर्फ अन्य शेष रहता है। मतलब यहाँ र से अपन का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ अपन धातु के पीछे या क्रिया के पीछे अन्य लगाएंगे। जैसे कि पूज पलच अन्य, तो यहाँ पे पूज के साथ अपन अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये र साथ नहीं जोड़ेगा बल्कि अन्य यहाँ तक ही साथ जोड़ेगा। जैसे कि पूज पलच अन्य तो हो जाएगा इसका पूजनियम मतलब पूजा करने योग्य। तो यहाँ योग्य अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो रहा है अपना? कृत प्रत्यय का अनियर प्रत्यय। इसका दूसरा अगला भाग देखो, अगला उदाहरण है अच पलच अनियर मतलब होगा अन्य जोड़ेंगे यहाँ तक कि अच पलच अनियर तो हो जाएगा असनियम मतलब अचना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है, चाहिए का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यह अनियर प्रत्यय है। अस प्लस अनियर मतलब असनियम यानी अचना चाहिए। अबे तीसरा उदाहरण दृश पलच अनियर तो इसका बनेगा दृश का तो अपन लिखेंगे दृश, अनियर का अनियर में सिर्फ अन्य जोड़ेंगे तो जाएगा दर्शन नियम मतलब दर्शन करने योग्य। तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गए होंगे प्रत्यय। अब आगे देखो, यहाँ पे अपना प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, जिसका पहला भाग है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय आज अपने यहाँ पे पूरा समाप्त हो गया है और कल अपन इससे आगे वाले भाग में कराएंगे। तो नहीं, हाँ आगे करेंगे अपन। अब आगे अपन प्रत्यय का दूसरा भाग शुरू करेंगे कल से, तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ तक अगर आपको सबको समझ आ गया है तो ये सब आप घर बैठ के 2-3 बार रिवाइज कर लेना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, वो मैं आपको अगले भाग में वापस अच्छी तरीके से समझा दूँगा। तो आज का टॉपिक अपन यही समाप्त करेंगे।
और कल पढ़ेंगे तद्धितो कृत्यै।